वेलकम टू याशिमा शो। जिस तरह से केसेस इंडिया समेत दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमें सख्त जरूरत है इस समय किसी तरह की मेडिकल रेवोल्यूशन की, जो आने वाली नीड्स को मीट कर पाए। अभी का हाल देख ले तो देश भर में विवाद ही हो रहे हैं, कभी देश में टेस्टिंग की संख्या को लेकर, तो कभी टेस्टिंग किट्स के दाम को लेकर। इन सब के बीच अभी तक तो सरकार के सामने दो ही सोल्यूशन है कोरोना से लड़ने के। पहला, जो सभी देश करने में लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना ताकि कोरोना वायरस जल्द पकड़ में आ सके, या फिर दूसरा, इसकी वैक्सीन की खोज। इमीडिएट वैक्सीन बनाना तो हमारे हाथ में अभी नहीं है, लेकिन टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना तो हमारे हाथ में है। देखिए, अभी तक दो तरह की टेस्टिंग हो रही है। एक तो है RT-PCR, जिसमें कहने को 6 घंटे का टाइम लगता है, पर असल में रिपोर्ट आने में लग जाते हैं 1 से 2 दिन। इस टेस्ट में पेशेंट का स्वैब लिया जाता है चेक करने के लिए कि कोरोना संक्रमण है या नहीं। और दूसरा टेस्ट है रैपिड टेस्ट किट, जिसको बोलते हैं, जो पिछले महीने इंडिया ने चाइना से मंगवाए थे, जिन पे उनके फॉल्टी होने को लेकर डिस्प्यूट भी हुआ था और भारत ने वो टेस्ट किट चाइना वापस भेज दिए थे। इस रैपिड टेस्ट किट से एंटीबॉडी एक्टिव है या नहीं उनका पता चलता है, जिससे कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती है। एक तरह से मान लो कि इस मेथड से स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन हाल ही में भारत के एक यंग साइंटिस्ट ग्रुप ने एक टेस्टिंग किट डेवलप की है, जो इन दोनों टेस्टिंग किट से अलग है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट पर 2 साल से काम कर रहे थे, लेकिन इस साल जनवरी में कोरोना वायरस जब चाइना में अपनी पीक पे था, तो उस प्रोडक्ट को, जिस पर वो 2 साल से काम कर रहे थे, उसको उन्होंने कोविड स्पेसिफिक कर दिया और पिछले 2 महीने से हर रोज 20 घंटे काम करने की मेहनत से एक अच्छी खबर सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के 2 साइंटिस्ट्स ने CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ में कोऑर्डिनेशन में एक नए तरह से टेस्ट करने की टेक्निक डेवलप की है, जिसको नाम दिया है फेलूदा, और भारत सरकार ने इस टेक्निक को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट किट क्या है और कैसे काम करती है। अब ये टेस्ट ना तो रैपिड टेस्ट है और ना ही RT-PCR टेस्ट है, ये एक तरह का RNA बेस्ड टेस्ट है। CSIR के डायरेक्टर डॉक्टर शेखर मंडे ने बताया कि ये पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इस टेस्ट में एक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है, जिसपे एक सोल्यूशन लगा होता है। कोरोना वायरस के RNA को निकालने के बाद इस पेपर पर रखते हैं। अब इस टेस्टिंग स्ट्रिप पर 2 बैंड है। पहला बैंड है कंट्रोल बैंड। इस बैंड के कलर चेंज का मतलब होगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है। और दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर दूसरे बैंड का कलर चेंज नहीं होता तो मतलब आपका टेस्ट कोरोना नेगेटिव आया। इस तरह की किट्स तैयार करने में आमतौर पर साइंटिस्ट्स को 2 से 3 साल लगते हैं, मगर भारत दुनिया के उन 3 से 4 देशों में शामिल है जो इसे बनाने में सबसे आगे हैं। इस ट्रिप की खासियत ये भी है कि इसको यूज करने के लिए ना तो किसी मशीन की जरूरत है और ना ही कोई खास स्किल चाहिए। ये स्ट्रिप सिर्फ अपना रंग बदलेगी, जिससे कि कोरोना का रिजल्ट मिल जाएगा। ये ठीक उसी तरह काम करती है जैसे प्रेगनेंसी टेस्टिंग स्ट्रिप्स काम करती हैं। कुछ मिनटों में ही रिजल्ट पता लग जाएगा। इस टेस्टिंग स्ट्रिप फेलूदा को बनाने वाली टीम कॉन्फिडेंट है कि इसके रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट होंगे। तो अब सवाल आता है कि क्या ये पेपर बेस्ड टेस्ट किट रैपिड टेस्ट किट की जरूरत को खत्म कर देगी। अब बात करते हैं कि इस टेस्टिंग किट का नाम फेलूदा क्यों रखा गया। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बंगाली फिल्म मेकर ऑथर है सत्यजीत रॉय, जिन्होंने एक फिल्म में एक डिटेक्टिव का करेक्टर प्ले किया था, जिसका नाम था फेलूदा, जो ढूंढ लेता था किसी भी चीज को। तो उसी की तरह कहा जा रहा है कि टेस्टिंग स्ट्रिप फेलूदा भी मिनटों में ढूंढ लेगी कि पेशेंट में कोरोना है या नहीं। ये एक इस्तेफाक है कि ये नाम इस टेस्टिंग किट को मिला। वास्तव में फेलूदा की फुल फॉर्म है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। अब देखते हैं कि कौन से चरण में है ये फेलूदा किट। भारत के वैज्ञानिक 28 जनवरी से ये टेस्ट किट को बनाने के काम में जुटे थे और 4 अप्रैल के आसपास इसको तैयार कर लिया था, लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए कंपनी के साथ की जरूरत थी, तो टेंडर निकले और बाकी के अप्रूवल्स में 1 महीने तक का टाइम लग गया। तो रिसर्च के लेवल को तो ये पार कर चुका है। फिलहाल टीम इस स्ट्रिप की सेंसिटिविटी टेस्ट कर रही है। रेगुलेटरी वैलिडेशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक गया तो कुछ हफ्तों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा सन्स के साथ MOU साइन किया है और एग्रीमेंट हो गया है कि मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।
क्योंकि आने वाले टाइम में कोरोना के केसेस देश में बढ़ेंगे ही, तो टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी भारत की डिमांड पूरी हो पाए। उम्मीद करते हैं कि ये किट मास टेस्टिंग करने में सक्षम हो पाए। अब बात करते हैं इसकी कीमत को लेकर। फेलुदा टेस्ट से कोविड 19 की टेस्टिंग कॉस्ट बहुत हद तक कम की जा सकती है। अभी जो रियल टाइम पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन टेस्ट RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, उनके दाम प्राइवेट लैब्स के लिए 4500 रुपए तक तय किए गए हैं। मगर फेलुदा टेस्ट बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि ये टेस्ट 500 रुपए तक में भी उपलब्ध हो सकता है। आपको बता दूं कि ये टेस्टिंग टेक्निक CRI-SPR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड देश की इकलौती टेस्टिंग किट है और इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जीका वायरस की टेस्टिंग के लिए भी हो चुका है। तो इस टेस्टिंग किट के फायदे जो बताए जा रहे हैं वो है इसकी कम कीमत, इस्तेमाल करने में आसान, और इस टेस्ट के लिए एक्सपेंसिव qPCR मशीन की भी जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये कितनी कामयाब होती है ये तो इसके आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।